Hello, civil engineers. This side Sandeep Singh, professional estimation engineer and corporate trainer. I welcome you again in our official digital platform of Rainforest Quantity Surveyor and Training Private Limited. It's a venture company of one of the reputed PMC, Rainforest Construction and Project Private Limited. Today, I am here for the discussion of bar bending schedule of slab from the live project of G+2-story project. In this session, I will explain you how to do the BBS of slab and how to find out the cutting length of main bar and how to find out the cutting length of distribution bar and how to calculate the quantity of steel. So you can see here, this is the drawing of G+2-story project. जो आप ये drawing देख रहे हैं वो आपको slab का drawing दिया हुआ है. जो आप इस ड्राइंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अभी हम प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो आपके G+2-story का प्रोजेक्ट है. यदि आपका G+2-story का प्रोजेक्ट है तो उसमें 3 स्लैब होंगे. एक आपका फर्स्ट फ्लोर का स्लैब होगा, एक आपका सेकेंड फ्लोर का स्लैब होगा और एक आपका रूफ का स्लैब होगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है. जो आपका फ्लोर स्लैब का थिकनेस है वो आपको 120 mm दिया हुआ है और जो आपका रूफ स्लैब का थिकनेस है वो आपको 100 mm दिया हुआ है. मींस मतलब जो आपका फर्स्ट फ्लोर का थिकनेस है वो 120 mm है और जो आपका सेकेंड फ्लोर का थिकनेस है वो भी आपका 120 mm है और जो रूफ स्लैब का थिकनेस है वो आपको 100 mm दिया हुआ है. इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल का सीरीज चल रहा है. ये बार बेंडिंग शेड्यूल की सीरीज का 10th सेशन है. यदि आपने अभी तक प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रेनफोर्स क्वांटिटी सर्वेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने बार बेंडिंग शेड्यूल के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है और इसी सेम प्रोजेक्ट G+2-story के प्रोजेक्ट से आपका डबल मेस फुटिंग का BBS, लेंथ बीम का BBS, कॉलम का BBS, कॉलम के टाइज को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं. और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसी तरह से अच्छा कंटेंट लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू मिलता रहेगा. फिर चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो ये देख रहे हैं, आपको ये स्लैब का ड्राइंग दिया हुआ है. जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्लैब की बात करते हैं तो स्लैब का BBS केवल दो तरह से हो सकता है. एक स्लैब होगा आपका स्लैब विथ एक्स्ट्रा बार और दूसरा स्लैब आपका स्लैब विथ क्रैंक बार. तो जो आप स्लैब देख रहे हैं वो आपका स्लैब विथ एक्स्ट्रा बार है. इसमें आपके स्लैब के रिइंफोर्समेंट में आपका मेन बार होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा और आपके एक्स्ट्रा बार होंगे टॉप में. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का डिटेल दिया हुआ है. जब आप दूसरा ड्रॉइंग देखेंगे तो इसमें आपको ये एक्स्ट्रा बार का डिटेल दिया हुआ है. हम लोग स्लैब के ईच एंड एवरी जंक्शन ऑफ बीम एंड कॉलम पर एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं टॉप, ऐसे टॉप मैश. क्लियर? तो जो आप ये देख रहे हैं ये आपको मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का डिटेल दिया हुआ है. तो हम लोग इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मेन बार का कटिंग लेंथ निकाला जाता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकाला जाता है और किस तरह से नंबर ऑफ बार निकाले जाते हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसमें जो आपका शॉर्ट स्पान है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेन बार होता है उसको शॉर्ट स्पान में सबसे पहले लेइंग किया जाता है, उसके बाद फिर लॉन्गर स्पान में आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार को लेइंग किया जाता है. तो आप इस ड्राइंग में देखेंगे तो जो आपका शॉर्टर स्पान है वो क्या है, जो आप ये वर्टिकल स्पान देख रहे हैं, जो आपको ये वर्टिकल स्पान दिया हुआ है ग्रेड 1, 2, 3, वो आपका क्या है, शॉर्टर स्पान है. क्लियर? और जो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं ग्रेड A to F, वो आपका क्या है, लॉन्गर स्पान है. तो इस शॉर्टर स्पान में हम लोग सबसे पहले आपके मेन बार को लेइंग कराएंगे, जो आपका वर्टिकल स्पान है इसमें आपको मेन बार की लेइंग की जाएगी. इसके बाद हम लोग जो आपका लॉन्गर स्पान है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार को लेइंग कराएंगे, जो आपका ग्रेड A to F में दिया हुआ है. हॉरिजॉन्टल पोर्शन में आपके हॉरिजॉन्टल पोर्शन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार आएंगे और जो आप वर्टिकल पोर्शन देख रहे हैं उसमें आपके मेन बार आएंगे. तो यहाँ देख सकते हैं आपको ये मेन बार का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ये 10 mm 170 सेंटर टू सेंटर. तो इसमें 10 mm का आपको मेन बार दिया हुआ है और जो आप नीचे बॉटम में देखेंगे तो सेम आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया हुआ है 10 mm 170 सेंटर टू सेंटर, आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया हुआ है. जो आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि
इसमें ड्राइंग में हम जो मेन बार है उसका जो कटिंग लेंथ है उसको एक बार में नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मेन बार का कटिंग लेंथ है वो आपका चेंज हो रहा है। आप देखेंगे ग्रेड ए टू बी में जो आपका मेन बार है, ग्रेड ए टू बी में जो हम मेन बार को लिंक करा रहे हैं उसका कटिंग लेंथ अलग होगा। आप देख सकते हैं इस यहाँ से लेके और आपका यहाँ तक कुछ इसका कटिंग लेंथ आएगा। तो ग्रेड ए टू बी में मेन बार का कटिंग लेंथ अलग आएगा, और जो आप देख रहे हैं ग्रेड बी टू सी में उसमें आपका मेन बार का कटिंग लेंथ अलग आएगा, और जो आपका ग्रेड सी टू डी है उसमें आपका मेन बार का कटिंग लेंथ अलग आएगा। तो हम इस प्रोजेक्ट में 3 टाइम्स में मेन बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कटिंग लेंथ चेंज हो रहा है। फर्स्ट टाइम ए टू बी, सेकेंड टाइम बी टू सी और थर्ड टाइम सी टू डी। इसी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन बार देखेंगे तो हम इस सेम प्रोजेक्ट में एक बार में डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका कटिंग लेंथ चेंज हो रहा है। आप देखेंगे जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया हुआ है ग्रेड 2 से 3 में, तो आप देखेंगे इसका कटिंग लेंथ कुछ अलग होगा। जो आपको ग्रेड 2 से 3 में जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया हुआ है ग्रेड ए से लेके एफ तक, तो उसका कटिंग लेंथ अलग होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका ग्रेड 1 से 2 में दिया हुआ है उसका कटिंग लेंथ आप अलग देखेंगे, ए से लेके सी तक दिया हुआ है। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका प्रोजेक्शन में दिया हुआ है ग्रेड ए से लेके बी तक उसका कटिंग लेंथ आपका अलग आएगा। तो हम सेम आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ 3 टाइम्स में निकालेंगे। 3 टाइम्स में आपका मेन बार का कटिंग लेंथ आएगा और 3 टाइम्स में आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कटिंग लेंथ चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ देखते हैं किस तरह से निकाला जाता है। क्लियर? तो आप देखेंगे इसमें 2 सेक्शन कट किए हुए हैं। एक हमने ये सेक्शन एक्स एक्स कट सेक्शन एक्स एक्स को कट किया हुआ है। आप ये देखेंगे हॉरिजेंटली हमने ये सेक्शन एक्स एक्स को कट किया हुआ है। जब आप सेक्शन एक्स एक्स को कट करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाई देगा लाइन के फॉर्म में, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाई देगा लाइन के फॉर्म में, और आपका जो मेन बार है वो आपको डॉट के फॉर्म में दिखाई देगा डिस्ट्रीब्यूशन बार के नीचे। तो आप इसका सेक्शन देखेंगे एक्स एक्स तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे इसका सेक्शन दिया हुआ है एक्स एक्स, तो आप इसमें देख रहे हैं आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया हुआ वो आपको लाइन के फॉर्म में है। मैं आपको जूम करता हूं तो आपको सही से समझ आएगा, ये देख सकते हैं आप, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो आपको लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है सेक्शन एक्स एक्स में। आप देखेंगे थ्रू आउट ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया हुआ है बॉटम में जो आपको लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। क्लियर? और इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन बार के नीचे जो आप ये डॉट डॉट देख रहे हैं ये डॉट आपका क्या है मेन बार है, क्योंकि मेन बार को आपको पहले लिंक किया जाता है तो वो नीचे आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बार को आपको ऊपर लिंक किया जाता है तो वो आपके ऊपर आएगा। क्लियर? तो आप ड्रॉइंग में इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका सेक्शन एक्स एक्स है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाई देगा लाइन के फॉर्म में। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे तो इसी सेक्शन के थ्रू निकालेंगे, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। जब आप इस ड्राइंग का सेक्शन बाय बाय कट करेंगे, आप देख सकते हैं ये सेक्शन बाय बाय, जब हम इस ड्राइंग का सेक्शन बाय बाय कट करेंगे ये सेक्शन बाय बाय, तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा आपको मेन बार दिखाई देगा। मेन बार आपको दिखाई देगा लाइन के फॉर्म में, और उसके ऊपर आपका क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा डॉट के फॉर्म में। आप देख सकते हैं ड्रॉइंग में सेक्शन बाय बाय, ये आपको सेक्शन बाय बाय दिया हुआ है, ये देखेंगे आपको ये सेक्शन बाय बाय दिया हुआ है। जो आप इस सेक्शन को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आपको सही से दिखाई देगा, ये देख सकते हैं आप, ये देखेंगे आप ये सेक्शन बाय बाय है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग मेन बार को लिंक कराते हैं, तो इसमें जो मेन बार है वो आपको लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये देखेंगे आप ये मेन बार है आपको 10 mm का 170 सेंटर टू सेंटर, ये आपको लाइन के फॉर्म में दिखाई देगा थ्रू आउट द सेक्शन। क्लियर? इसी तरह से आप देखेंगे इसमें जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपके डॉट के फॉर्म में दिखाई देगा, डॉट के फॉर्म में ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है जिसका स्पेसिफिकेशन आपको दिया हुआ है 10 mm 170 सेंटर टू सेंटर। वहीं आप जब सेक्शन बाय बाय में देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो ये देखेंगे आपको मेन बार यहाँ डॉट के फॉर्म में था, आपका सेक्शन चेंज हुआ तो मेन बार यहाँ डॉट से किस में कन्वर्ट हो गया लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इसकी ड्राइंग को रीड कर सकते हैं। तो जब हम मेन बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे तो सेक्शन बाय बाय से निकालेंगे, जब हम
आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे तो आपका सेक्शन एक्सेस के थ्रू निकालेंगे। तो आइए फिर देखते हैं किस तरह से इसका कटिंग लेंथ निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे। ये आपको ड्राइंग दिया हुआ है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक्सेल शीट में क्या डिस्क्रिप्शन पुट करते हैं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे आपका ग्रेड ए टू एफ, ग्रेड ए टू एफ में आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे और आपका लेइंग कराएंगे 3 से 2 में। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार ग्रेड ए टू एफ जिसमें इसका कटिंग लेंथ आएगा, और आपका ग्रेड 3 से 2 में इसका क्या आएगा, नंबर ऑफ बार आएंगे जिसको आप अपोजिट लेंथ बोल सकते हो। 3 से 2 में हम इसको लेइंग कराएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका एक्सेल शीट प्रिपेयर किया हुआ है, ये इसका एक्सेल शीट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बार ग्रेड ए टू एफ एंड लेइंग 3 to 2। इसका स्पेसिंग आपको दिया हुआ है 170 mm, डाई ऑफ बार आपको दिया हुआ है 10 mm। ये आपका सिंगल मेंबर है तो इसमें 1 दिया हुआ है। नंबर ऑफ बार अभी हम लोग निकालेंगे किस तरह से निकालना है, कटिंग लेंथ भी अभी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से इसका कटिंग लेंथ निकाला जाता है। आप देखेंगे ये आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, आप ये बार देख रहे हैं मैंने शेप बनाया हुआ है, तो इसमें एक वर्टिकल पोर्शन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालेंगे फिर उसके बाद वर्टिकल पोर्शन निकालेंगे। जब आप हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालेंगे तो आप ये देखेंगे ड्राइंग में, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से निकाला जाता है। ये आप ड्राइंग देखेंगे किस तरह से है, ये जब आप इसका सेक्शन देखेंगे तो आपको क्लियर होगा ये आपका सेक्शन है। तो हमें अभी क्या डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना है ए से लेके एफ तक, जो आप ये देख रहे हैं ड्राइंग में। तो हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने के लिए, जो आपको सारे लेंथ दी है ग्रेड टू ग्रेड, आपको सेंटर टू सेंटर आपको लेंथ दे रखी है। आप देखेंगे 3250, 3550, 2950 प्लस 3550 प्लस 3550। तो हम लोग ये सारी लेंथ को ऐड कर देंगे, जो आप लेंथ देख रहे हैं ग्रेड ए से लेके ग्रेड एफ तक सारी लेंथ को ऐड कर देंगे। तो आपका इस बीम के सेंटर से लेके और जो आपकी ग्रेड एफ पर जो आपकी बीम है वहाँ तक का आपको कटिंग लेंथ निकल आएगा। तो वही हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है 3250, 3550, 2950, 3550 और 3550। यही मैंने ऐड किया हुआ है, इससे आपका ए के सेंटर से लेके एफ के सेंटर तक का लेंथ निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं एक्सेल शीट में यही मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है 3250 प्लस 3550 प्लस 2950 प्लस 3550 और प्लस 3250। तो ये आपका ग्रेड ए से लेके ग्रेड एफ तक का सेंटर टू सेंटर लेंथ निकल आया है। अब हमें करना क्या है, इसको आपका जो स्लैब का रिइंफोर्समेंट है वो आपका बीम में एनकरेज करेगा, तो उसका लेंथ निकालना है। अब उसका लेंथ किस तरह से निकालेंगे आप देख सकते हैं। जो आप इसका एक कॉर्नर देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, मैं आपको जूम करता हूं तो आप इसको सही से देख पाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये इसका एक आपका कॉर्नर है जिसमें आपका स्लैब का रिइंफोर्समेंट बीम में एनकरेज करेगा। तो अभी हमने जो लेंथ निकाला है वो इसके सेंटर से निकाला है, जो आप ये सेंटर लाइन देख रहे हैं यहाँ तक का अभी हमने लेंथ निकाला है सभी ग्रेड को ऐड करके। जो आपको ये ग्रेड ऊपर दिया हुआ है 3250 वो हमने ऐड करके ये ग्रेड ए से और एफ तक सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाला है। अभी हम क्या करेंगे, आपको ये वाला पार्ट निकालना है। तो आपका जो ये बीम दिया हुआ है फर्स्ट फ्लोर का बीम है, उसका जो आपको ब्रेथ दिया हुआ है वो आपको 300 mm का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका फुल आपका बीम है 300 mm का, तो हाफ बीम कितने का हो जाएगा, 150 का हो जाएगा। हाफ बीम आपका 150 का हो जाएगा, तो 150 में से हम लोग एक ये कवर माइनस करेंगे, इसमें आपका बीम का कवर माइनस होगा। इस प्रोजेक्ट में जो बीम का कवर दिया हुआ है वो आपको 30 mm का दिया हुआ है, तो आपका हाफ बीम वो कितना 150 का, 150 में से हम लोग ये आपका आउटर साइड का कवर माइनस करेंगे 30 mm, और ये आपका एक ऊपर से एक्स्ट्रा बार आ रहा है, आप ये देखेंगे ऊपर से आपका ये एक्स्ट्रा बार आ रहा है जो आपको 10 mm का दिया हुआ है। तो 150 mm माइनस कवर 30 mm और माइनस आपका एक्स्ट्रा बार का डाया 10 mm, तो आपका ये यहाँ तक हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकल आएगा। इसी तरह से सेम आप दूसरी साइड कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी साइड दिया हुआ है, ये सेम आपका इसी साइड भी हो जाएगा, ये भी आपका हाफ 150 का होगा और यहाँ से आप कवर माइनस करेंगे 30 mm का और ऊपर से आपका एक्स्ट्रा बार का
डाया आएगा 10 mm का, उसका माइनस हो जाएगा 150 mm माइनस कवर 30 mm माइनस एक्स्ट्रा बार डाया 10 mm, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो निकल आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार का, तो वही मैंने पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं एक्सेल में। ये आपका सेंटर टू सेंटर लेंथ है प्लस 150 mm हाफ ऑफ बीम माइनस कवर 30 mm माइनस 10 डाया ऑफ एक्स्ट्रा बार फ्रॉम द टॉप, देन एड अगेन 150 mm माइनस 30 माइनस 10 फॉर द एनदर साइड। तो इस तरह से ये आपका हॉरिजॉन्टल आपका स्पान निकल आएगा। इसके बाद हम लोग वर्टिकल निकालेंगे। वर्टिकल निकालने के लिए आप देख सकते हैं ये 50 mm आया, किस तरह से ये 50 mm आएगा आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इस तरह से आप देखेंगे जब इसका लेफ्ट कॉर्नर, ये आप देखेंगे आपको ये बीम दिया हुआ है, हमें ये वाला वर्टिकल पार्ट निकालना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का ये वाला वर्टिकल पार्ट निकालना है। तो जो स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है वो आपको 120 mm का स्लैब थिकनेस दिया हुआ है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक ऊपर से आपका टॉप से स्लैब का कवर माइनस करेंगे, बॉटम से स्लैब का माइनस कवर करेंगे, और आप में ये टॉप का डाया दिया हुआ है, टॉप एक्स्ट्रा बार का डाया दिया हुआ है जो आप डॉटेड के फॉर्म में देख रहे हैं, तो वो माइनस होगा, और ये आपका लाइन के फॉर्म में एक डाया माइनस होगा, तो इसमें 3 डाया माइनस होंगे, एक आपका टॉप के 2 डाया और एक आपका बॉटम का मेन बार, क्लियर। तो 120 mm का स्लैब थिकनेस माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर देन वी माइनस डाया फ्रॉम द टॉप ऑफ एक्स्ट्रा बार डेट इज 10 mm देन वी माइनस दिस वन डाया ऑफ एक्स्ट्रा बार डेट यू कैन सी इन अ लाइन फॉर्म, ओके, देन वी माइनस डाया ऑफ मेन बार, ओके, सो वी कैन माइनस हेयर 3 डाया, क्लियर। सो यू कैन सी हेयर इन अ सेम एक्सेल आई पुट हेयर, यू कैन सी दैट्स द 120 mm स्लैब थिकनेस, देन वी माइनस टॉप ऑफ कवर 20 mm then we minus bottom of cover 20 mm, then we minus 10 mm dia of top extra bar, then we minus dia of top extra bar again, then we minus dia of 10 mm of bottom main bar। तो इस तरह से ये आपका 50 mm निकलेगा वर्टिकल बार, तो आपका इस साइड भी सेम ही हो जाएगा 50 mm, क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका ये वर्टिकल पोर्शन निकाल लिया है और ये इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकाल लिया है, क्लियर। तो हम इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे, कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम इसको ऐड कर देंगे 50 mm प्लस 16770 प्लस 50 mm, उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैंने ऐड किया हुआ है 50 mm प्लस 16770 प्लस 50 mm, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, बैंड लॉस करेंगे। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री का बैंड है, तो 2D का लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बैंड है तो 2D का लॉस यहाँ पे होगा, तो आपका टोटल 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर का यहाँ पे बैंड लॉस होगा। जो आप ये देख रहे हैं 570 किया हुआ है, 570 क्यों किया है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका बार का टोटल लेंथ है वो 12 मीटर से एक्सीड कर रहा है, और जो हमारा मार्केट में जो बार अवेलेबल होता है वो केवल 12 मीटर का होता है, तो इसमें आपका क्या एक ओवरलैप आएगा, आप देखेंगे करीबन ये 16.77 मीटर हो रहा है तो आपका 12 मीटर से एक्सटेंड कर रहा है, तो इसमें आपके एक ओवरलैप आएगा 570 mm का, हमने इसमें एक ओवरलैप दिया हुआ है, आपको ड्राइंग में दिया हुआ है स्टार्टिंग में कि इसमें कितना ओवरलैप लेना है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 570 mm, इसमें एक ओवरलैप आएगा। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका टोटल जो कटिंग लेंथ निकल के आएगा वो आएगा 17.4 मीटर आपका कटिंग लेंथ आएगा केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन बार का, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो कटिंग लेंथ आएगा 17.4 मीटर आएगा, क्लियर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ बार किस तरह से निकाले जाते हैं, तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए आपका जो बेसिक फार्मूला होता है आप देखेंगे मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो इस फार्मूले को जो अप्लाई करेंगे तो आपके नंबर ऑफ बार निकल आएंगे। अब इसमें अपोजिट लेंथ क्या होगा, आप यहाँ देखेंगे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है कि हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन बार को लेइंग करा रहे हैं 3 से 2 में करा रहे हैं, 3 ग्रेड से लेके 2 ग्रेड में डिस्ट्रीब्यूशन बार को लेइंग करा रहे हैं, तो यही उसका अपोजिट लेंथ हो जाएगा। तो आप देखेंगे ड्राइंग में 3 से 2 ग्रेड, आप जब ड्राइंग में 3 से 2 ग्रेड देखेंगे तो आपको इसका अपोजिट लेंथ समझ आएगा। तो ये इसका ड्राइंग दिया हुआ है और ये इसका ग्रेड दिया हुआ है 3 से 2, इस 3 से 2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार को लेइंग करा रहे हैं हॉरिजॉन्टली इस तरह से, तो इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है 3525 mm। ये आप लेंथ देखेंगे आपको बीम के सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, जबकि बीम में हम लोग रीइंफोर्समेंट को लेइंग नहीं कराते हैं, जो स्लैब का रीइंफोर्समेंट आता है वो आपका इनर टू इनर ऑफ बीम में ही लेइंग कराया जाता है, कभी भी स्लैब का रीइंफोर्समेंट बीम में लेइंग नहीं कराया जाता है, क्योंकि बीम में ऑलरेडी बीम का रीइंफोर्समेंट होता है,
तो जो लेंथ आपको दे रखा है 3525 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ बीम टॉप से माइनस कर देंगे और ये हाफ ऑफ बीम बॉटम में माइनस कर देंगे। तो जो बीम आपको दिया हुआ है 300 mm का दिया हुआ है, तो 150 आपका टॉप से माइनस हो जाएगा, 150 आपका बॉटम से माइनस हो जाएगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो स्पेसिंग दिया हुआ है वो 170 दिया हुआ है, तो 3525 माइनस 150 फ्रॉम टॉप माइनस 150 फ्रॉम बॉटम देन बी डिवाइडेड बाई 170 mm, दैट इज द स्पेसिंग, और प्लस 1, सो वी गेट द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इन दिस ग्रिड। यू कैन सी हियर, आई पुट हियर सेम, दिस इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ बार आई पुट हियर 3525 देन वी माइनस 150 mm फ्रॉम द टॉप then 150 mm from the bottom then divided by spacing that is 170 mm or plus 1. So आप देख सकते हैं इसमें total 20 number of bar आएंगे। इसका हम total cutting length निकालेंगे, एक बार का cutting length 17.4 meter है, total number of bar आपके 20 है, तो आप इसका multiply कर देंगे, 17.4 multiply by 20 आपका एक number of member है, तो इस तरह से आपका total cutting length निकल के आएगा 348 meter। तो ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बार हुआ है ग्रेड ए टू एफ एंड लेंथ 3 to 2 में। इसी सेम प्रोसेस से आप नेक्स्ट बार निकाल सकते हैं, आप ये देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार ग्रेड ए टू सी एंड लेंथ 2 to 1, इसमें भी आपकी सारी चीजें सेम रहेंगी, केवल आपका कटिंग लेंथ चेंज हो जाएगा। कटिंग लेंथ में भी आप देखेंगे जो आपका वर्टिकल पोर्सन है वो आपका सेम रहेगा, क्योंकि आपके जो बीम के जंक्शन है, आपका जो स्लैब का रिइंफोर्समेंट बीम में इंक्रीज हो रहा है तो वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो इसका लेंथ है हॉरिजॉन्टल वाला वो चेंज हो जाएगा। तो आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार ग्रेड ए टू सी एंड लेंथ 2 to 1। तो ये आपको दिया हुआ है, ये आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार ग्रेड 1 to 2 और ये आपका ग्रेड ए टू सी, ए टू ग्रेड ए टू ग्रेड सी में आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ आएगा और ग्रेड 1 to ग्रेड 2 में आपके नंबर ऑफ बार आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे कटिंग लेंथ चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे आपका यहाँ पे कटिंग लेंथ चेंज हो जाएगा। जब आपका कटिंग लेंथ चेंज होगा तो बाकी जो एंकरेजमेंट है, जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है, वो तो आपका सेम ही रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार, आपको ये लेंथ ऐड कर देना है, जो आपको ये लेंथ दी हुई है 3250 और 3550, ये आपको ऐड करना है, तो आपका इसका कटिंग लेंथ निकल आएगा। उसके बाद का जो आपका प्रोसीजर होता है वो सेम रहेगा, आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है ग्रेड ए टू सी एंड वी आर लेइंग ग्रेड 2 to 1। जब हम इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालेंगे तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 3250 प्लस 3550 और प्लस 150 माइनस 30 माइनस 10, अगेन 150 माइनस 30 माइनस 10। जो आपका जब आप ऐड करेंगे 3250 प्लस 3550, इससे क्या जो आपका लेंथ निकलेगा ग्रेड के सेंटर टू सेंटर लेंथ निकलेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं ड्राइंग में, ये आपको दिया हुआ है 3250 और 3550, इससे जो आपका लेंथ निकलेगा वो ग्रेड ए से लेके ग्रेड सी के सेंटर टू सेंटर लेंथ निकलेगा। लेकिन इसके बाद हमारा रिइंफोर्समेंट क्या बीम में एनकरेज करेगा, तो वही मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप इसका सेक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये इसका सेक्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने के बाद किस तरह से आपका रिइंफोर्समेंट एनकरेज होता है ये देखेंगे। अभी हमने इस सेंटर तक लेंथ निकाला है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हाफ ऑफ बीम ऐड करेंगे। टोटल बीम आपको 300 mm का दिया हुआ है, हाफ ऑफ बीम आपका 150 का हो जाएगा, तो 150 माइनस बीम कवर 30 mm देन वी माइनस डाया ऑफ एक्स्ट्रा बार दैट इज 10 mm, सो वी गेट दिस एंकरेज पोर्शन 150 mm माइनस 30 mm कवर और माइनस 10 mm डाया। तो वही मैंने आपको यहाँ किया हुआ एक्सेल सीट में, आप देख सकते हैं ये देखेंगे 150 mm माइनस 30 mm माइनस 10 mm डेट फ्रॉम द लेफ्ट साइड कॉर्नर, और डेट 150 mm माइनस 30 mm और माइनस 10 mm डेट इज फ्रॉम द राइट साइड कॉर्नर। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रेट पोर्शन निकल आएगा। इसके बाद आपको वर्टिकल पोर्शन निकालना है, तो वर्टिकल पोर्शन तो आपका सेम ही रहेगा थ्रू आउट द बीम थ्रू आउट द स्लैब। तो आप देखेंगे 120 mm का आपको स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है, इसमें से हमने 20 mm टॉप कवर माइनस किया है, 20 mm बॉटम कवर माइनस किया है, 10 mm आपका टॉप का एक्स्ट्रा बार का मेन डाया है और 10 mm टॉप में आपका एक्स्ट्रा बार का डिस्ट्रीब्यूशन डाया है और ये आपका 10 mm बॉटम में आप मेन बार दिया हुआ है। जब ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये देखेंगे आप
हमें ये वर्टिकल पोर्शन निकालना है, तो पहले भी हमने निकाला था वही सेम प्रोसेस है। ये वर्टिकल पोर्शन निकालने के लिए आप देखेंगे तो आपको स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है 120 mm। 120 mm से हम लोग एक टॉप कवर माइनस कर रहे हैं स्लैब का 20 mm, एक बॉटम कवर माइनस कर रहे हैं 20 mm, और आपका ये टॉप में डाया दिया हुआ है, डाया ऑफ एक्स्ट्रा बार 10 mm वो माइनस करेंगे, और ये आपका एक डाया और दिया हुआ है टॉप में एक्स्ट्रा बार का मेन बार, तो वो आपका माइनस होगा 10 mm, और ये आपका बॉटम में मेन बार दिया हुआ है 10 mm का वो माइनस होगा। तो आपके दो कवर और तीन डाया माइनस होंगे 120 mm स्लैब थिकनेस में, तो आपका ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। तो वही मैंने यहाँ एक्सेल में किया हुआ है, तो वो देख सकते हैं 120 mm माइनस 20, 20 माइनस 10, 10 और 10, तो इस तरह से आपका वर्टिकल पोर्शन आएगा। तो ये आपका लेफ्ट साइड का वर्टिकल पोर्शन है, और आपका राइट साइड का भी वर्टिकल पोर्शन सेम ही रहेगा, देख सकते हैं 50-50 आएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा, आप देख सकते हैं 50 mm प्लस 7020 और प्लस 50 mm आप ऐड करेंगे, और माइनस बैंड लॉस 2D का बैंड लॉस आपका लेफ्ट साइड में होगा, 90 डिग्री का बैंड है, और 2D का लॉस आपका राइट साइड में होगा। तो इस तरह से आप ऐड करेंगे तो आपका ये 4 times ऑफ डायमीटर हो जाएगा, 2D और 2D 4D हो जाएगा, तो आप इसका कटिंग लेंथ निकल आएगा 7080 mm। इसमें आपको ओवरलैपिंग लेंथ ऐड नहीं करना है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल लेंथ है वही आपका 7 मीटर है, तो इसका कटिंग लेंथ निकल के आएगा कुछ 7.08 मीटर। अब इसके नंबर ऑफ बार निकालेंगे, जब आप इसके नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो उसके लिए सेम फॉर्मूला होता है, अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1। इसका जो अपोजिट लेंथ है आप देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है लेइंग ग्रेड 221, तो ग्रेड 221 आपका क्या है, अपोजिट लेंथ है, आप देखेंगे ड्रॉइंग में तो आपको ये अपोजिट लेंथ दिखाई देगा, ये देखेंगे आपको, ये आपको ड्रॉइंग में दिया हुआ है ग्रेड 221, ये आपको ड्राइंग दिया हुआ है ग्रेड 221 ये वाला, तो इसमें जो आपको लेंथ दिया हुआ है वो 3250 दिया हुआ है, 3250 आपका सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो स्लैब का रिइंफोर्समेंट आता है वो बीम के इनर टू इनर में आता है, क्योंकि बीम में बीम का रिइंफोर्समेंट होता है, तो 3250 माइनस हाफ ऑफ बीम दैट इज 150, देन ऑल्सो हाफ ऑफ बीम 150, देन बी डिवाइडेड बाई स्पेसिंग 170, सो वी गेट द नंबर ऑफ बार। तो वही आप देख सकते हैं मैंने किया हुआ है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, ये देखेंगे 3250 माइनस हाफ ऑफ बीम फ्रॉम द टॉप 150 mm माइनस हाफ ऑफ बीम 150 mm फ्रॉम द बॉटम, देन वी डिवाइडेड बाय 170 और प्लस 1, तो आपके नंबर ऑफ बार निकल आएंगे 19 नंबर ऑफ बार, क्लियर। और एक बार का कटिंग लेंथ आपका कितना है 7.08, टोटल नंबर ऑफ बार कितने हैं 19, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा 269.04। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ मेंबर में हमने 2 लिखा हुआ है, 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये ड्राइंग क्या है, सिमेट्रिकल ड्राइंग है, आप देखेंगे ये सिमेट्रिकल ड्राइंग है, आप जब इसका मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये ड्राइंग आपका सिमेट्रिकल ड्राइंग है। जब आप इस पोर्शन के डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे, ये वाला जो आपको पोर्शन दिया हुआ है ग्रेड ए टू सी और आपका ग्रेड 1 to 2 के आप डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे, तो ये इसका भी सेम ही होगा। आप इस साइड देख रहे हैं जो आपके लेफ्ट साइड के डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं ग्रेड ए टू सी में, और जो आपके राइट साइड के डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं ग्रेड डी टू एफ में, दोनों सेम होंगे, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके ऑटोमेटिकली वो निकल आएंगे। यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ पे 2 से लिखा हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ मेंबर में 2 लिखा हुआ है, क्योंकि आपका सिमेट्रिकल है तो डायरेक्टली निकल आएगा। तो टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए 7.08 कटिंग लेंथ ऑफ 1 डिस्ट्रीब्यूशन बार, देन वी मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ बार दैट इज 19, देन वी मल्टीप्लाई बाई 2, सो आपका इस तरह से जो कटिंग लेंथ निकल के आएगा 269.04 आपका मीटर निकल के आएगा। इसके बाद सेम आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल सकते हैं थर्ड पोर्शन में, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार ग्रेड ए टू बी एंड लेइंग 1 to 1 dash, आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरह से ड्राइंग में ये आपको दिया हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बॉटम वाला, ये मिडिल वाला भी पोर्शन निकाल चुके हैं, अब हम ये वाला पोर्शन निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार ग्रेड ए टू बी, और आप इसको ए डैश मान सकते हैं, सॉरी आप इसको 1 dash मान सकते हैं, 1 dash to 1, और आपका ग्रेड ए टू बी में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आएंगे उसको निकालेंगे। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने के लिए आपको पता है ये लेंथ दिया हुआ है 3250, ये आपको सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, इसके बाद हम लोग एंकरेजमेंट लेंथ ऐड कर देंगे, वो भी सेम ही रहेगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से
ये आपका टोटल लेंथ दिया हुआ है 3250 सेंटर टू सेंटर। इसके बाद हम लोगों ने 150 हाफ ऑफ बीम ऐड किया है, माइनस कवर किया है 30 mm और माइनस 10 mm डाया किया है टॉप से एक्स्ट्रा बार का। सेम हमने दूसरी साइड में आपका राइट कॉर्नर में 150 mm का हाफ ऑफ बीम ऐड किया है, माइनस 30 mm कवर माइनस किया है और माइनस 10 mm आपका टॉप एक्स्ट्रा बार का किया हुआ है। इस तरह से आपका ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकल आएगा और सेम आप वर्टिकल पोर्शन निकाल सकते हैं। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका कटिंग लेंथ निकल आएगा। क्लियर, वो आपका कटिंग लेंथ निकल के आएगा। आप ये देख सकते हैं मैंने ऐड किया हुआ है 50 प्लस 3470 और प्लस 50 माइनस बैंड लॉस 2D फ्रॉम दिस वन साइड और 2D फ्रॉम दिस वन साइड, तो टोटल आपका 4D का लॉस होगा। तो इस तरह से आपका जो निकल के आएगा टोटल लेंथ वो निकल के आएगा 3.53 मीटर। ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकल के आएगा। इसके बाद आप नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला, अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1। तो इसमें अपोजिट लेंथ देखेंगे आप ग्रेड 1 to 1' में हम लोग लेइंग करा रहे हैं, लेइंग 1 to 1', तो यही आपका अपोजिट लेंथ हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से ये ग्रेड 1 to 1', आप इसको 1' मान लीजिए। तो इसका लेंथ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जो आप इसका सेक्शन देखेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा। ये इसका सेक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये इसका सेक्शन दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रहे हैं। ये आप देखेंगे जो आपका ये डॉटेड के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है बॉटम में। तो इसका अपोजिट लेंथ दिया हुआ है आपको 1200 mm। इसको हम स्पेसिंग से डिवाइड कर देंगे 170 से, तो आपके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल आएंगे। तो वही मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये आपका 1200 माइनस 20 mm कवर माइनस करेंगे स्लैब का और आपका 170 स्पेसिंग से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो आपका इस तरह से ये निकल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बार निकल के आएंगे वो आपके 8 निकल के आएंगे। क्लियर, तो आपका इस तरह से आप टोटल कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। एक बार का कटिंग लेंथ आपको 3.53 मीटर दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बार आपके 8 दिए हुए हैं। इसमें भी आपके नंबर ऑफ मेंबर क्या हैं, 2 हैं। अब वो 2 किस तरह से हम ड्राइंग में देख सकते हैं, इस तरह से जब ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इस वाले पोर्शन में हम लोग नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल रहे थे ए टू बी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल रहे थे। जब आप ये वाला स्पान देखेंगे ई टू एफ राइट कॉर्नर में, तो दोनों सेम होंगे क्योंकि आपका सिमेट्रिकल प्रोजेक्ट है। तो हम इसमें डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये देखेंगे नंबर ऑफ मेंबर में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए। कटिंग लेंथ ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूशन बार 3.53, देन मल्टीप्लाई बाई 8, दैट इज द नंबर ऑफ बार, देन वी मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज द नंबर ऑफ मेंबर फॉर द सिमेट्री, सो वी गेट द कटिंग लेंथ 56.48 मीटर। तो इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकलेगा और नंबर ऑफ बार्स निकलेंगे आपके 3 times में, या आप एक टाइम में नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर, इसी सेम प्रोसेस से आप मेन बार का निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं मेन बार का किस तरह से निकालेंगे। मेन बार ग्रेड 1-3 एंड लेइंग ए टू बी, तो आप मेन बार देखेंगे ड्राइंग में तो आपको समझ में आएगा किस तरह से। ये आपका मेन बार है वर्टिकल पोर्शन, जो आपको ये वर्टिकल पोर्शन दिया हुआ है ये आपका मेन बार है। इस मेन बार का कटिंग लेंथ हम लोग सेक्शन बाई बाई के थ्रू निकालेंगे। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है मेन बार का कटिंग लेंथ आपका ये आप 1' इसको कंसिडर कर लीजिए यहाँ पे ये 1', तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन बार ग्रेड 1-3 एंड वी आर लेइंग फर्स्ट मेन बार ग्रेड ए टू बी, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेन बार ग्रेड 1-3 एंड लेइंग ए टू बी। तो यहाँ पे भी इसका भी डाया आपको सेम दिया हुआ है 10 mm, इसका स्पेसिंग सेम है 170 mm। तो जब आप इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालेंगे, ये देखें इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन किस तरह से निकालेंगे, तो आप इसका ड्राइंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकालना है। ये आपको सेक्शन बाई बाई दिया हुआ है, जब आप सेक्शन बाई बाई देखेंगे तो इसमें आपका इसका कटिंग लेंथ आपको दिखाई देगा। ये आपका सेक्शन बाई बाई है, मैं जूम करता हूँ तो आपको ये सही से दिखाई देगा। ये आपको सेक्शन सही से दिखाई देगा, ये देखेंगे आपको ये सेक्शन बाई बाई दिया हुआ है। तो आपका यहाँ से लेके ये आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट मेन बार दिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं ये आपको मेन बार दिया हुआ है जो आपको लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब इसका कटिंग लेंथ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आप लेंथ ऐड कर दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपका ग्रेड का लेंथ दिया हुआ है आप उसको ऐड करेंगे।
वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है 1200 mm माइनस ये स्लैब कवर, आपको स्लैब कवर दिया हुआ है, आपको 20 mm का यहाँ से स्लैब कवर माइनस करना पड़ेगा, 1200 mm माइनस 20 mm, और ये ऊपर से आपको देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा बार आ रहा है, आपका ऊपर से एक्स्ट्रा बार आ रहा है यहाँ पे, तो वो आप माइनस करेंगे, ये देखेंगे ऊपर से आपका एक्स्ट्रा बार है 10 mm का, तो माइनस करेंगे तो आपका ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकल के आएगा, 1200 mm माइनस स्लैब कवर 20 mm, देन वी माइनस 10 mm डाया ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार। उसके बाद हम लोग ये पोर्शन ऐड करेंगे, आपका ये देख रहे हैं ये आपको बीम दिया हुआ है, बीच में ये गैप है 150 mm, इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1200 mm दिया हुआ है वो आपको बीम के आउटर से दिया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे जो आपको 3 to 50 mm दिया हुआ है वो इस ग्रिड के सेंटर से दिया हुआ है, तो बीच में आपका ये स्पेस बचा हुआ है, तो टोटल बीम आपका कितने का 300 mm का है, तो हाफ आपका 150 आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 1200 mm माइनस 20 कवर माइनस 10 ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार, देन वी ऐड दिस 150 mm फॉर द हाफ ऑफ बीम, देन वी ऐड 3 to 50 फॉर ग्रेड 1 to 2, देन वी ऐड दिस 3 5 to 5, ओके, सो वी कम हेयर टू द सेंटर ऑफ दिस थर्ड बीम। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 150 ऐड कर देंगे, आप देखेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ निकल आएगा, जैसे आप 3 5 to 5 को ऐड करेंगे तो ये आपका सेंटर टू सेंटर तक का लेंथ निकल आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हाफ ऑफ बीम ऐड करेंगे, टोटल बीम आपको 300 mm का दिया हुआ है, आप हाफ ऑफ बीम ऐड करेंगे तो ये आपका 150 mm का हो जाएगा, तो 150 mm का ये ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ बीम ऐड करने के बाद 150 mm, उसके बाद ये आपको बीम का कवर माइनस करेंगे 30 mm, और यहाँ पे ये आपका 10 mm का डाया माइनस करेंगे टॉप का, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकल आएगा, हाफ ऑफ बीम 150 माइनस 30 mm कवर माइनस 10 ऑफ डायमीटर फ्रॉम द टॉप, सो वी गेट दिस हॉरिजॉन्टल पोर्शन। ओके, सो यू कैन सी हियर सेम इन एक्सेल शीट, वही मैंने एक्सेल शीट में किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखेंगे 1200 mm माइनस 20 स्लैब कवर माइनस 10 mm टॉप डाया, देन वी ऐड 150 mm फॉर द गैप बिटवीन द ग्रिड टू ग्रिड, देन वी ऐड 3 to 50 सेंटर टू सेंटर, 3 5 to 0 सेंटर टू सेंटर, देन वी ऐड 150 mm हाफ ऑफ बीम, देन वी माइनस स्लैब सॉरी बीम कवर 30 mm, देन वी माइनस 10 mm कवर सॉरी 10 mm डाया फॉर द एक्स्ट्रा बार, सो वी गेट दिस हॉरिजॉन्टल पोर्शन। ओके, तो इस तरह से ये आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकल आएगा। इसके बाद आपको ये वर्टिकल पोर्शन निकालना है, जो आपका 60 mm आया हुआ है, वर्टिकल पोर्शन 60 mm किस तरह से आया हुआ है वो आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे ये आपका वर्टिकल पोर्शन निकालना है, जो आप देख रहे हैं ये वाला वर्टिकल पोर्शन निकालना है, तो ये वर्टिकल पोर्शन किस तरह से निकलेगा, आप देख सकते हैं स्लैब का थिकनेस आपको दिया हुआ 120 mm, 120 mm स्लैब की थिकनेस में से हम 20 mm टॉप कवर माइनस करेंगे, 20 mm बॉटम कवर माइनस करेंगे, और इसके बाद आपका ये देख रहे हैं टॉप में 2 डाया है एक्स्ट्रा बार, एक आपका डॉट वाला डाया और एक आपका ये लाइन फॉर्म का, जो लाइन के फॉर्म में जो आपका डाया है 10 mm का वो माइनस होगा, और एक आपका ये डॉट के फॉर्म में डाया है वो माइनस होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, 2 कवर माइनस करने हैं 20 20 mm के और 2 डाया माइनस करने हैं 10 10 mm के, तो इस तरह से ये आपका वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। तो वही मैंने एक्सेल में किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपको 60 mm आया हुआ है, 120 mm स्लैब थिकनेस माइनस 20 mm टॉप कवर, दिस 20 mm बॉटम कवर, देन माइनस 10 mm ऑफ एक्स्ट्रा बार टॉप इन ऐसे मेन बार, और डेट माइनस 10 mm ऑफ एक्स्ट्रा बार ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो इस तरह से आपका 60 mm निकलेगा। सेम आप इसी तरह से 70 mm निकाल सकते हैं, जो आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका ये टोटल कटिंग लेंथ निकल के आएगा। आप देख सकते हैं मैंने ऐड किया हुआ है 60 mm प्लस 8205 प्लस 70 mm माइनस 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर, ये आपका बैंड लॉस है, आप देखेंगे यहाँ पे 2D और 2D का लॉस होगा, तो आपका 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर का लॉस हो जाएगा, तो टोटल आपका निकल के आएगा 8.295 मीटर, ये आपका एक बार का कटिंग लेंथ निकल के आया है। यहाँ पे भी मैंने नंबर ऑफ मेंबर में 2 लिखा हुआ है, आप देखेंगे ये G+2 स्टोरी का प्रोजेक्ट, तो ये क्या सिमेट्रिकल प्रोजेक्ट है, जब आप हाफ पोर्शन निकालेंगे तो सेकेंड हाफ पोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली निकल आएगा, आप देखेंगे इस तरह से, ये हम लोग मेन बार निकाल रहे हैं, ये ग्रेड A2B में, यदि आप इसका मेन बार निकाल लेंगे ग्रेड A2B में, तो जो आपको ये मेन बार दिया हुआ है ग्रेड E2F में, तो इसका आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सेम ही होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये आपका कटिंग लेंथ निकल आएगा। एक बार का कटिंग लेंथ आया हुआ है आपका 8.295 मीटर। इसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8.295 मीटर मल्टीप्लाई बाई 19, डेट इज नंबर ऑफ बार, डेट वी मल्टीप्लाई बाई 2, डेट इज द नंबर ऑफ स्लैब। सो वी गेट द टोटल लेंथ दैट इज 315 मीटर पॉइंट 21। इस तरह से आप ये मेन बार का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप सेम कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं आपका मेन बार ग्रेड 1, 2, 3 एंड लेइंग B2C में। आप ये देखेंगे इस जो मेन बार है वो ग्रेड 1, 2, 3 में इसका कटिंग लेंथ आएगा, जो हम इसको लेइंग करा रहे हैं वो B2C में करा रहे हैं। इस तरह से जो आप B2C देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा ड्रॉइंग में, ये आपको दिया हुआ है जो हम मेन बार है वो आपका B2C में लेइंग करा रहे हैं। B से C में आपका मेन बार का लेइंग होगा, और जो इसका कटिंग लेंथ आएगा वो आपका ग्रेड 1, 2, 3 में आएगा। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह से निकालना है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, जो आपको ये दिया हुआ है ये 3250 और प्लस 3525, इसको ऐड करेंगे तो आपका सेंटर टू सेंटर लेंथ निकल आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, हाफ ऑफ बीम ऐड करना है 150 mm माइनस कवर 30 mm माइनस 10 ऑफ डाया, तो आप ये टॉप पोर्शन निकल आएगा। सेम आपको बॉटम पोर्शन में आपको 150 mm ऐड करना है माइनस 30 mm आपका बीम का कवर, देन भी माइनस 10 mm डाया ऑफ एक्स्ट्रा बार, तो आपको ये निकल आएगा। आप देख सकते हैं वही मैंने सेम किया हुआ है, ये देखेंगे आप 3250 प्लस 3525 प्लस आपका 150 mm आपका हाफ ऑफ बीम, देन भी माइनस 30 mm आपका स्लैब सॉरी बीम कवर, देन भी माइनस हाफ ऑफ सॉरी 10 mm डाया ऑफ एक्स्ट्रा बार, देन भी अगेन एड 150 mm माइनस 30 mm बीम कवर फ्रॉम द राइट साइड, देन माइनस 10 mm डाया ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार फ्रॉम द राइट साइड। तो इस तरह से आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकल आएगा। इसी तरह से आप इसका वर्टिकल पोर्शन निकाल सकते हैं। वर्टिकल पोर्शन निकालने के लिए आप ड्राइंग देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो आप इसमें ड्राइंग देखेंगे तो ये आपका सेक्शन देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा, ये आपको सेक्शन दिया हुआ है एक्स्ट्रा, ये आपका मेन बार का ये सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये वर्टिकल पोर्शन निकालना है। ये वर्टिकल पोर्शन निकालने के लिए आपको स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है 120 mm। इसमें से आप टॉप कवर माइनस करेंगे 20 mm, बॉटम कवर माइनस करेंगे 20 mm, और जो आपका टॉप से जो एक्स्ट्रा बार आ रहा है आप देखेंगे टॉप में जो एक्स्ट्रा बार आ रहा है 10 mm का, उसको माइनस करेंगे तो आपका ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। तो 120 mm स्लैब थिकनेस, 20 mm टॉप कवर, 20 mm बॉटम कवर माइनस 10 mm टॉप ऑफ डाया ऑफ एक्स्ट्रा बार। तो इस तरह से आपका ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा। तो वही मैंने आपको यहाँ पे किया हुआ है, देखेंगे 120 mm माइनस 20 माइनस 20 और माइनस 10, तो आपका लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी आपका सेम हो जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो आपका कटिंग लेंथ ये निकल आएगा। वही मैंने किया हुआ है, ऐड 70 mm प्लस 6995 प्लस 70 mm माइनस 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर फॉर द बैंड लॉस, 2D और 2D का लॉस होगा। इसके बाद आप नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1। अब इसका अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है लेइंग B2C, तो B2C इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट लेंथ हो जाएगा। आप देख सकते हैं ड्राइंग में B2C, आप ये देखेंगे B2C, ये आपको दिया हुआ है अपोजिट लेंथ B2C। आपको 3550 इसका लेंथ दे रखा है 3550, ये आपका सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। जबकि हम रिइंफोर्समेंट को लेइंग कराते हैं वो केवल आपका बीम के इनर टू इनर पोर्शन में ही आपका रिइंफोर्समेंट लेइंग होता है। तो 3550 माइनस हाफ ऑफ बीम 150 mm फ्रॉम द लेफ्ट साइड माइनस हाफ ऑफ बीम 150 mm फ्रॉम द राइट साइड, देन वी डिवाइडेड बाई स्पेसिंग दैट इज 170 mm और प्लस 1, तो आपके नंबर ऑफ बार निकल आएंगे। क्लियर, आप जो B2C देख रहे हैं वो और जो आपका D2E, ये आपको जो D2E दिया है वो भी आपका सेम होगा, और जो आपको B2C वाला मेन बार का स्पान दिया हुआ है वो भी आपका सेम होगा। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला स्पान भी निकल आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं जब आप इसके नंबर ऑफ बार निकालेंगे तो 3550 माइनस 150 फॉर द हाफ ऑफ बीम फ्रॉम द लेफ्ट साइड और 150 हाफ ऑफ बीम फ्रॉम द राइट साइड, देन वी डिवाइडेड बाय स्पेसिंग दैट इज 170 mm और प्लस 1, तो आपके नंबर ऑफ बार निकलाएंगे 20। इस तरह से आप इसका टोटल कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। एक बार का कटिंग लेंथ आपको 7.095 है, टोटल नंबर ऑफ बार आपके 21 आ रहे हैं, और आपके नंबर ऑफ मेंबर के लिए 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है क्योंकि आपका सिमेट्रिकल है।
तो इस तरह से इसका कटिंग लेंथ ये निकल आएगा। इसी सेम प्रोसेस से आप इसका कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं मेन बार का, आपका केवल ये लेंथ चेंज होगा, जो आप ये देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेंथ आपका चेंज होगा, जो आपको सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है वो आप उसको ऐड करेंगे, ये देखेंगे 3525 आप ऐड करेंगे, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, आपका वर्टिकल पोर्शन भी सेम रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो आपका ये कटिंग लेंथ निकल आएगा। और सेम प्रोसेस से आप इसका नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए आप देखेंगे ये 2950 आपको ये दिया हुआ है, 2950 इसको हम सी टू डी में लेइंग करा रहे हैं, जो मेन बार है ग्रेड 2 to 3 एंड लेइंग सी टू डी ग्रेड में। तो जब आप इसका देखेंगे सी टू डी, तो ये आप देखेंगे सी टू डी में इसका लेइंग हो रहा है, 2950 इसका अपोजिट लेंथ है, ये आपके मेन बार है इस तरह से। तो 2950 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, 150 आप लेफ्ट साइड से माइनस करिए, 150 आप राइट साइड से माइनस करिए, और आपका स्पेसिंग 170 से डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ बार निकल आएंगे। ये आपका सिंगल स्पान है, इसमें आपको कोई भी 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देखेंगे 1 से यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर लिखा हुआ है, और 17 देखेंगे 2950 हाफ ऑफ बीम और हाफ ऑफ बीम डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1, तो आपके नंबर ऑफ बार निकल आएंगे। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कटिंग लेंथ निकल आएगा 3.845, दिस इज द कटिंग लेंथ फॉर वन मैन बार, देन वी आर यूजिंग 17 नंबर ऑफ मैन बार इन दिस ग्रेड और वी मल्टीप्लाई बाई 1, तो इस तरह से आपका ये लेंथ निकल के आएगा 65.365। तो इस तरह से आप इस प्रोजेक्ट के मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। जब आप इन सभी लेंथ को ऐड कर देंगे जो आपको ये दी हुई है 348, 269, 56, 315, 297, 65, जब आप सभी को ऐड करेंगे तो आपका टोटल लेंथ निकल के आएगा 1352 मीटर। इसके बाद आप इसका वेट निकाल सकते हैं। वेट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं डी स्क्वायर बाई टोटल लेंथ और डिवाइडेड बाई 162, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, इससे आपका वेट निकल आएगा। तो वही फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं 10 mm का आपका डाया है, 10 mm इंटू 10 mm, देन वी मल्टीप्लाई बाई द टोटल लेंथ दैट इज 1352.085, देन वी डिवाइडेड बाई 162, तो ये आपका टोटल वेट निकल के आएगा 834.6 kg। तो टोटल आपका स्टील आ गया 834.6 kg। तो ये स्टील आपका मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रिपरेशन करने के लिए आपका 834 kg आपका स्टील लगेगा। तो इस तरह से आप मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का BBS बना सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से हम इसके सेकेंड एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो एक्स्ट्रा बार है उसको देखेंगे, किस तरह से एक्स्ट्रा बार निकाले जाते हैं। आप ड्राइंग में देख सकते हैं ये आपको एक्स्ट्रा बार दिए हुए हैं, ये आपको इस स्लैब में जो एक्स्ट्रा बार दिए हुए वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग अवर RQST टीम। इफ यू वॉन्ट मोर कंटेंट लाइक दिस जेन्युइन एंड प्रैक्टिकली फ्रॉम द लाइव प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।